गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। बेटा, आज हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी का चैप्टर 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है बेटा? भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। आया समझ में? अगर हम अपनी मन की बात मन में रखेंगे, दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए तो हमें या तो बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। तो भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आया समझ में? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब विचारों का आदान प्रदान कितने प्रकार से होता है बच्चों? तो विचारों का आदान प्रदान 3 प्रकार से होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आप लोग रेडियो पे गाने सुनते हो, ठीक है, दादी माँ कहानी सुनाती है, तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर करते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है बच्चों? जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करते हैं। आया समझ में? जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़ के करते हैं। आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, हमें पूरे देश की जानकारी मिल जाती है, पूरे वर्ल्ड की जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हमें पढ़ लेते हैं उस चीज को। तो वो काय का उदाहरण है आपका लिखित भाषा का। क्लियर? तो लिखित भाषा क्या होगी? वह भाषा जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करते हैं। क्लियर? थर्ड है आपका सांकेतिक भाषा। नाम से ही पता चल रहा है कि वह भाषा जिसमें संकेतों के माध्यम से, इशारों से हम अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। देखते हो ना बच्चे, जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो अपनी बात कैसे बताते हैं? इशारों के द्वारा। लेकिन बच्चों, सांकेतिक भाषा को हम अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए अब इसका व्याकरण में उपयोग कम हो गया है, ठीक है? व्याकरण भाषा में केवल 2 ही भाषाओं का प्रयोग है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है? आया समझ में? एक बार दोबारा मैं बता रही हूँ, भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है बच्चों, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? मौखिक भाषा वह होती है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर और सुनकर करते हैं। इसमें हमें ध्वनि की आवश्यकता होगी। क्लियर? लिखित भाषा क्या होती है बच्चों? लिखित भाषा वह होती है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करते हैं। आप बुक पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर दूसरों को जब बताना होता है तो हम लिख देते हैं और पढ़कर उसका प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लिखकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और सांकेतिक भाषा क्या होती है? जो संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर? अगर अब आपको 3 टॉपिक क्लियर हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, अब बच्चों हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22। राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, ठीक है ना? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला है, भाषा किसे कहते हैं? बता दो, भाषा किसे कहेंगे बेटा? जो वह साधन जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है आपका, मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? बता सकते हैं? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें मुंह के द्वारा बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है आपका, संकेतों के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने में क्या कठिनाई आती है? आप भी बताओ बच्चों। अगर हम संकेत करेंगे तो जरूर थोड़ना है हर कोई उस संकेत को पहचान जाएगा, मुश्किल होगा ना संकेतों को पहचानना। तो संकेतों को पहचानने में कठिनाई आती है, प्रत्येक व्यक्ति संकेतों को नहीं समझ सकता, नहीं पहचान सकता, इसलिए सांकेतिक भाषा में हमें परेशानी आती है। और हमारे भाषा में यानी हमारे व्याकरण में मौखिक और लिखित भाषा की ही मान्यता दी गई है। धन्यवाद। थैंक यू।